वेलकम इन दिस चैनल सक्सेसअप। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि पर एक शॉर्ट एसे देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब आप एसे या निबंध लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले अगर आप एक कोटेशन या कविता बनाकर लिखते हैं तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी पोयम दिख रही है जो जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डाल रही है। ठीक है, तो देखिए क्या है पोयम कि जनसंख्या वृद्धि का ये दुष्प्रभाव, बेरोजगारी, महंगाई, जलवायु परिवर्तन में बदलाव, इसलिए परिवार नियोजन को अपनाओ, गरीबी महंगाई इन सबको दूर भगाओ। यानी जनसंख्या वृद्धि भारत का बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस समय, बहुत बड़ी समस्या है भारत की कि प्रतिवर्ष बहुत तीव्रता के साथ जनसंख्या भारत में वृद्धि हो रही है, संसाधन उतने पर्याप्त नहीं हैं, क्षेत्रफल भी भारत का बहुत अधिक नहीं है। इसके हिसाब से जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का ये दुष्प्रभाव है क्या है कि एक सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्या है वो बेरोजगारी है, दूसरी बड़ी जो समस्या है वो महंगाई और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, ये सब हो रहे हैं और भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो समस्याएं हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि इसलिए परिवार नियोजन को अपनाओ। परिवार नियोजन का अर्थ आती है कि छोटा परिवार को अपनाओ और गरीबी महंगाई इन सबको दूर भगाओ। ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता करिए, अपने परिवार को नियोजित करिए, यानी सीमित करिए, छोटा करिए। उससे क्या होगा कि गरीबी महंगाई इन सब में कमी आएगी जब परिवार कम होगा, जनसंख्या कम होगी तो। ठीक है, तो ये पोयम इस जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालती है। इसके बाद अब हम देखेंगे आगे का। चलिए ओके, देखिए भारत में जनसंख्या को एक संपन्न संसाधन के रूप में देखा है भारत ने, तो इसका ये मतलब है कि भारत जो है उसने जो उसकी जनसंख्या है, यानी देश की जो जनसंख्या है हमारे, वो एक संसाधन के रूप में देश के काम अभी तक आई है। देश के विकास में एक संसाधन की भांति जनसंख्या ने योगदान दिया है और देश की जो अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ा है तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी जनसंख्या का रहा है। ठीक है, तो भारत ने जनसंख्या को एक संपन्न संसाधन के रूप में देखा है। ठीक है, जो कि विकास करती अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। यानी जो भी देश विकास कर रहे हैं या भारत जो विकास कर रहा है उसकी जो जीवन शक्ति है वो यहाँ की जनसंख्या ही है। ठीक है, जनसंख्या के कारण काफ़ी, मतलब जनसंख्या इफेक्ट डाल रही है भारत की जो विकसित विकास कर रही है अर्थव्यवस्था उसमें। इसीलिए कहा गया है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन शक्ति जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि आवश्यकता से बहुत अधिक होने के कारण, अर्थात पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि अधिक, बहुत ही अधिक हुई है। ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि आवश्यकता से बहुत अधिक होने के कारण देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, प्रदूषण में वृद्धि, जलवायु में बदलाव, जीवन स्तर में कमी जैसी गंभीर समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी भी बढ़ गई है या बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ी है, आपको पता है, प्रदूषण भी देश में काफ़ी बढ़ा है, इसके बारे में भी आपको पता है, जलवायु में भी बदलाव हुआ है भारत में, कभी बारिश, अब देखिए इस वर्ष कितना बारिश हुई है कि हर राज्य में बाढ़ जो के हालात हैं और कहीं कहीं राज्यों में तो इतनी स्थिति खराब है कि घरों में पानी घुस चुका है शहरों में। ठीक है, तो जलवायु में भी बदलाव जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही हुई है और जीवन स्तर में कमी हुई है, जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो जीवन स्तर में कमी होगी। तो ये सारी गंभीर समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है और अभी जो बढ़ी है वो भी एक, अभी भी जो जनसंख्या है भारत की वो भी एक आवश्यकता से अधिक है। ठीक है, तो अतः जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना अति आवश्यक हो गया है। तो देश के लिए ये एक गंभीर समस्या है और इसको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के जो मुख्य कारण है, क्यों जनसंख्या बढ़ती है, वो निम्नलिखित है। पहला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का अभाव है। यानी गाँव के क्षेत्रों में लोग बड़ा परिवार
चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बड़ा परिवार रहे हमारा। उनको परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं, उनको पता नहीं कि परिवार नियोजन से कितने फायदे होते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि रूढ़िवादी मानसिकता होती है। रूढ़िवादी मानसिकता जो होती है उसके कारण भी ये होता है कि मतलब हमको बेटा चाहिए, तो अगर बेटी हो गई तो फिर से ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं बेटा के चक्कर में, ठीक है, या पुत्र के चक्कर में। तो ये एक रूढ़िवादी मानसिकता है जिसके चक्कर में भी ये हो जाता है। और भी कुछ मानसिकताएं हैं, तो रूढ़िवादी मानसिकता भी एक बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का अभाव एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि में, और बढ़ती जन्मदर भी एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि में। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अभाव भी एक बड़ा कारण है जनसंख्या की वृद्धि में। तो ये हैं कारण जिनके कारण भारत में जनसंख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 130 करोड़ अनुमानित है, यानी वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या है वो अनुमान के हिसाब से 130 करोड़ के पार पहुंचने वाली है, ठीक ना। इससे कम नहीं होगी क्योंकि 2011 में 121 करोड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तथा वर्ष 2030 तक भारत जनसंख्या में चीन से आगे निकल जाएगा, यानी भारत जो है 2030 तक में चीन को पीछे करके विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देखिए, चीन में जनसंख्या अधिक है पर वहाँ क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है, भारत की अपेक्षा वहाँ क्षेत्रफल बहुत अधिक है। इससे वहाँ की जो जनसंख्या है उसके लिए संसाधन की सुविधा काफ़ी ज़्यादा है, पर भारत में कम क्षेत्रफल है तो संसाधन भी कम है और जनसंख्या भी चीन के लगभग होने वाली है, तो इसलिए भारत में प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ अभी प्रेजेंट में अनुमान लगाया गया है और 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी। देखिए, और आगे ये है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तो ये जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो हो रही है वो जनसांख्यिकी लाभांश के स्थान पर जनसांख्यिकी अभिशाप में बदल जाएगी। यदि ऐसा ही चलता रहा, ऐसी ही बढ़ती रही, तो भारत की जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसके स्थान पर जनसांख्यिकी अभिशाप हो जाएगी। इसका ये मतलब है, देखिए, जो जनसंख्या के कारण देश को लाभ होता है उसको जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। जनसंख्या के कारण बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है देश को, हर देश को, ये आप सबको पता है। तो जो जनसंख्या के कारण देश के विकास में लाभ होता है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लाभ होता है, उसको जनसंख्यिकी लाभांश कहते हैं। तो ये अभी तक तो भारत को मिला है, पर जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही तीव्र गति से अगर जनसंख्या बढ़ी तो ये जनसंख्यिकी लाभांश जो लाभ मिल रहा था वो जनसंख्यिकी अभिशाप में बदल जाएगा, यानी ये एक अभिशाप का रूप ले लेगा यदि समय रहते जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया। अर्थात अगर जनसंख्या को में जो वृद्धि हो रही है उसको समय के पहले नियंत्रित, वैसे भी जनसंख्या जितना चाहिए उससे बहुत अधिक हो गई है, तो अब जो है एकदम ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, नहीं तो ये अभिशाप का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो प्रभावी तरीके हो सकते हैं जिससे जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है वो निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ पर परिवार बड़े बड़े होते हैं, और जो शहरों में है वहाँ पर परिवार छोटे छोटे होते हैं, बहुत मतलब नियमित होते हैं, नियोजित होते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का व्यापक तौर पर जागरूक करना, लोगों को इससे होने वाले लाभों को बताना और इससे जो हानियां होती हैं उनको भी बताना, इसकी जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए, जिससे वो भी अपना परिवार को नियोजित करें, छोटा करें, और जिससे जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो कम हो जाए। इसके अतिरिक्त शहरीकरण को बढ़ावा देकर, यानी जो गांव हैं उनको शहरों में बदलने से क्या होगा कि लोग वहां के, उनकी मानसिकता बदलेगी और वो भी क्या होंगे, सीमित परिवार में लाभों को जानेंगे और फिर सीमित परिवार अपना रखेंगे। आगे ये है कि विवाह की आयु में वृद्धि करके जिससे बच्चों की जनदर नियंत्रित की जाए। देखिए, देखा गया है कि जब कम उम्र में शादी हो जाती है तब बच्चे ज़्यादा पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, और जब एक मेच्योर स्थिति आ जाती है यानी परिपक्व हो जाता है आदमी एक उम्र के बाद, तो उस अवस्था में जब शादी की जाती है तो वहाँ पे वो समझदार होते हैं इतना कि उनके बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं संख्या में, उनको पता होता है कि हमें जिम्मेदारी उठाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या वहाँ पे कम होती है, तो इसलिए शादी की जो उम्र है उसको बढ़ा दी जाए तो भी बच्चों की जन्मदर में नियंत्रण लाया जा सकता है। आगे देखिए, संतानहीन लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रेरित करना, यानी देश में ऐसे लोग जिनके संतान नहीं है, मतलब कोई भी बच्चा नहीं है, उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप अनाथ बच्चों को
गोद ले लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको संतान भी मिल जाएगी, उस अनाथ बच्चे को माँ बाप भी मिल जाएंगे और देश में जनसंख्या वृद्धि भी कुछ कम होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए। आगे देखिए, ये है कि पुत्र प्राप्ति की मानसिकता को खत्म करके, यानी लोगों में ये जागरूक करना कि लोगों में पुत्र और पुत्री एक समान है। अगर आपको पुत्री भी हो रही है तो उससे भी आपको पुत्र से ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। और आज की डेट में भारत में पुत्रियों के लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं और बहुत सारा उनका विकास हो रहा है, वो सशक्त हो रही हैं, तो इसलिए अब आपको पुत्र प्राप्ति की मानसिकता को खत्म करना होगा। ठीक है, इससे भी फायदा होगा। तो देखिए, अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में भारत में विकास की गति की अपेक्षा, भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, यानी जो भारत की विकास दर है वो जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, यानी जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है जबकि विकास उससे कम हो रहा है, तो जिससे देश लगातार जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ दिनों बाद जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, यानी बहुत अधिक जनसंख्या होने से आपको पता है क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और साथ ही अधिक जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में भी बाधक है। जो अभी भी बहुत अधिक जनसंख्या है उसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भी बाधा हो रही है, बहुत सारी समस्याएं अभी भी हो रही हैं। हालांकि अभी इतना नहीं है, अभी कंट्रोल में हैं, पर अभी ऐसे ही अगर जनसंख्या में वृद्धि होता रहा तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा और देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास है वो एकदम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक हो गया है, अतः अब देश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य हो गया। तो अब ये अनिवार्य हो गया है, एकदम निश्चित ही अनिवार्य हो गया कि अब जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए देश में एक अच्छा कानून आए जिससे ठोस कदम उठाया जाए, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा नियंत्रित हो और देश को जो जनसंख्या संसाधन है उसमें भी कमी ना हो और देश की जनसंख्या भी इस तरह से बहुत अधिक ना बढ़े। ठीक है, तो ये है जनसंख्या वृद्धि भारत में जो अभी वर्तमान में एक बड़ी समस्या है, उसके फायदे, नुकसान और उसके होने वाले कारण, उपाय और अंत में निष्कर्ष। तो ये ऐसे आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल ऐसे होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हाल ही में इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र भी किया है कि ये एक बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में आपको जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कानून भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसको आप बढ़िया तरीके से ऐसे ही लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।